सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। लोकसभा इलेक्शन का आज जो रिज़ल्ट है, अभी अगर हम ईसीआई की तरफ से जो ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं, जो अभी तक के लेटेस्ट ट्रेंड्स ईसीआई ने भेजे हैं, वो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी जो है 63 सीट्स के ऊपर जो है लीड कर रही है और कांग्रेस अभी जो है 20 सीटों पर लीड कर रही है और आम आदमी पार्टी अभी 5 सीटों पर लीड कर रही है और समाजवादी पार्टी भी अभी जो है 5 सीटों पर लीड कर रही है। ये अभी तक का अपडेट है। मैं आपको बता दूं कि जो लोकसभा के इलेक्शन हुए उसके बाद आज जो है 4 जून यानी कि रिज़ल्ट का दिन है। हर जगह से जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रेंड्स आना शुरू हो जाएंगे और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो लेटेस्ट ट्रेंड्स भेजे गए हैं उसमें आप एक बार फिर से सुन लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी है ओवरऑल इंडिया में 63 सीट्स के ऊपर लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी अभी जो है 20 सीटों के ऊपर लीड कर रही है। आम आदमी पार्टी अभी जो है 5 सीटों पर लीड कर रही है और समाजवादी पार्टी अभी 5 सीटों के ऊपर लीड कर रही है। तो ये अभी तक का ओवरऑल जो है ईसीआई की तरफ से जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें अभी का ये है लेटेस्ट अपडेट और जैसे जैसे और भी ट्रेंड्स आते रहेंगे हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अभी काउंटिंग जो है शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे बाकी भी ट्रेंड्स आएंगे हम आप तक वो भी जानकारी पहुँचाएँगे। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी के कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश वेस्ट लोकसभा से हैं किरण रिजिजू, वो भी 4,150 वोटों से जो है लीड पर चल रहे हैं और साथ साथ में बाकी भी ट्रेंड्स अभी आना शुरू हो चुके हैं और हर जगह जो है ईवीएम्स में जो है काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अभी एक बार फिर से आप सुन लीजिए, बीजेपी 63 सीट्स पर आगे चल रही है, कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 5 सीटों पे आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी जो है अभी 5 सीटों पे आगे चल रही है। ये अभी तक का जो है डिटेल आई है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। हम आपको और भी अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहें जेके मीडिया के साथ। राम राम। कैमरामैन अशोक चल्होत्रा जी के साथ मैं आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए धन्यवाद।